Good morning. Good morning, sir. Electrical safety. लिखा देखा होगा, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये सिर्फ सेफ्टी में काम नहीं आता है, ये फायर में, सेफ्टी में, हमारी लाइफ में, हर जगह किसी तरीके की नौकरी करो, ये तो हर जगह ज़रूरी है। हर जगह का मतलब बताऊँ, आप अगर अपने घर में यूज करने के लिए मिक्सी या जो वो प्रेस करने के लिए प्रेस लेके आओगे ना, उसके पास एक कागज़ होता है, उसके अंदर वो कागज़ निकाल के देखना, एक पेज पे स्पेशल उस पर भी लिखा होगा सेफ्टी टिप्स फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। रई लेके आओगे ना घर के लिए, उसमें भी लिखा होगा। कुछ भी लेके आओगे बिजली का सामान, घर का भी, उसमें भी इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के 5-7 पॉइंट लिखे मिलेंगे तुम्हें। इतनी इंपॉर्टेंट है ये चीज़, लेकिन उसको मेरे ख्याल से तुमने आज तक किसी ने भी खोल के पढ़ा नहीं है, पक्की बोल रहा हूं मैं। अब आगे ध्यान देना, कोई एक आध पॉइंट जरूर ऐसा मिलेगा जो शायद मेरे से भी चूक हो सकती है, उसमें लिखा मिलेगा। घर में कोई भी इलेक्ट्रिकल सामान नया आए, उसके अंदर वो आएगी साथ में एक बुक, बुकलेट सी, निकाल के देखना, गारंटी से बोल रहा हूँ। यहाँ तक कि मोबाइल भी लेते हो ना, उसमें भी सेफ्टी की टिप्स लिखी मिलेगी कि मोबाइल से सेफ्टी कैसे रखनी है, वो भी बताएंगे। चार्जर लगे हुए बात नहीं करना, कभी ऐसे काम नहीं करना, इलेक्ट्रिकल के पास जाके बात नहीं करना, उसमें भी लिखी होंगी। और इससे ज़्यादा क्या आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो आज ये क्लियर करते हैं। एक दिन में नहीं होगा, इसकी भी 4 पार्ट बनेंगे भाई, इसकी 3-4 क्लास चलेंगे आगे लगातार। तो आज सिर्फ बेसिक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बिजली का नाम आते ही, इलेक्ट्रिकल का नाम आते ही, सबसे पहला ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट होने चाहिए। एसी करंट क्या होता है और डीसी करंट क्या होता है, इसमें कन्फ्यूजन होती है ना। कुछ लड़कों को तो क्लियर होता है, ITI वगैरह जो किए उनको भी क्लियर होता है, बट जनरली हम आम इंसान जो होते हैं, अपने काम से काम जिनको होता है, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना इसका पता होता। लेकिन कोई भी किसी भी बिजली के इक्विपमेंट्स की वायर निकाल के देखो, आप इक्विपमेंट्स को उठा के देखो, उसके पीछे बैक साइड में लिखा होता है या AC या तो DC, वो क्या फ़र्क है दोनों में। ITI की तरह या स्पेशल इलेक्ट्रिकल की क्लास तो है नहीं जो इस पे ही आधा घंटा 1.5 घंटा ख़राब करूँ मैं तो सिर्फ एक एक लाइन का बताऊँगा दोनों, बाकी तुम खुद पढ़ लो कहीं से भी। वॉट इज AC करंट? AC होता है अल्टरनेटिव करंट। क्या होता है? ये जो चल रहा है ना, जिसे पंखा चल रहा है अभी, बिजली ये जल रही है, ये है अल्टरनेटिव करंट, लाइव करंट, ठीक है। DC होता है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट एक जगह से प्रोड्यूस होकर डायरेक्ट लाइन में आके काम करता है, बैटरी वाला। अगर उसको इन्वर्टर के जरिए वापस फिर पंखा चलाया जाए ना, तो वो DC नहीं रहता, क्या हो जाता है? अल्टरनेट हो जाता है। डायरेक्ट तो है कि उधर से बैटरी में तार लगाए, डायरेक्ट जिस चीज में जोड़ेंगे वो चलेगी, उसको चेंज करना ही नहीं है, उसको कहीं बीच में कुछ लगाना ही नहीं पड़ता। लेकिन ये जो बिजली जो चल रही है, आपको लगता है कि जितनी पावर प्लांट से निकली थी डायरेक्ट आके इधर में चल रही है, वो ट्रांसफार्मर होते हैं। DC का तो, बैटरी का कौन सा ट्रांसफार्मर होता है? होता है क्या? गाड़ी में कहीं देखा आपने ट्रांसफार्मर लगा हुआ? सीधे उसी पे होते हैं ना। फर्क समझ गए? नहीं समझे होगे, इतना ही बहुत है जितना समझ गए, बाकी पूरी लाइफ पड़ी है, सीखते रहना भाई। अपने पास इस चीज़ के लिए टाइम नहीं है उतना लंबा, हमने आगे जाना है। तो अब इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की बात करते हैं कि वो सुरक्षा, वो सुरक्षित उपाय, वो सुरक्षित किसी को रखने के लिए हमारे द्वारा किए गए कोई भी काम, कोई भी प्रिकॉशंस जो हम बिजली से होने वाले खतरों से बचा पाएं किसी को। कौन सी सेफ्टी? जो बिजली से होने वाले खतरों से बचाएगी। तो बचाएगा कौन? हम ही बचाएंगे। मजदूर को, काम करने वाले को, कारीगर को कोई मतलब नहीं होता, उसको काम से मतलब है, क्योंकि उसको ठेकेदार पैसे तब देगा जब काम करेगा। वो सेफ्टी से करेगा या अनसेफ तरीके से करेगा, उसके ठेकेदार को कोई मतलब नहीं।
उसके ठेकेदार को कोई मतलब, यहाँ कंपनी को मतलब जरूर है कि गलत तरीके से करेगा, चोट खाएगा मेरा काम बंद हो जाएगा, इसलिए कंपनी ने किया क्या, मेरे को सेफ्टी ऑफिसर बना के वहाँ खड़ा कर दिया, तेरे को इतनी तनख्वाह दूंगा, इन लोगों को ना बस दिक्कत मत होने देना, ठीक है। इसलिए मुझे क्या है सीखना पड़ेगा कि उनको दिक्कत होगी तो बचाऊंगा कैसे, या होने से पहले दिक्कत को रोकूंगा कैसे, वो सीखना पड़ेगा। अब उसी पे आते हैं। हजार्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग इलेक्ट्रिकल वर्क, बिजली पे काम करते टाइम या बिजली से होने वाले खतरे क्या हैं। हजार्स मीन जोखिम। अब जोखिम को हिंदी में नहीं बता सकता क्या होता है, जोखिम तो जानते हो। सबसे पहला बताया गया, सब जानते हैं इलेक्ट्रिक शॉक क्या होता है, क्या होता है, करंट लगना बोलते हैं ना, एसी का मतलब वही तो है करंट, यही लग जाता है। एसी या डीसी ये करंट के दोनों नाम है ना, तो जब हमें बिजली से झटका लगता है उसको बोलते हैं करंट लग गया, इसलिए वो शॉक लग गया है। लेकिन वो शॉक किस चीज का है, करंट का है, किसका है, करंट का। तो हम अपने देसी लैंग्वेज में लोग क्या कहते हैं कि करंट लग गया, शॉक लग गया नहीं बोलेंगे, बट डॉक्टर कभी करंट लग गया नहीं बोलेगा। डॉक्टर के पास जाओगे ना तो वही बोलेगा क्या हुआ, शॉक लगा है, क्योंकि वो जानता है कि क्या है। हम लोगों के लिए करंट मतलब करंट है, हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते उन चीज़ों पे। चलो हम अपनी जो जानते हैं उसी पे बात करते हैं, करंट लगना ठीक है वही पकड़ लेते हैं, बट थोड़ा सा टेक्निकल में आ जाओ बेटा। करंट लगना बोलोगे कहीं पे जाके पढ़े लिखोगे बीच में तो अपन गवार साबित हो जाएंगे, क्या होंगे, इसको पता तो है नहीं कुछ, इसको भी करंट बोल रहा है तो क्या बोलेंगे उधर, कौन सा शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक, बिजली से लगा हुआ झटका। तो एक तो खतरा यही है। अच्छा ये भी दो तरह का होता है। अब आप कहोगे ये कैसे हो सकता है, करंट तो करंट होता है, बट मैं बोल रहा हूं कि बिजली से लगा हुआ शॉक जो है इलेक्ट्रिकल शॉक भी दो तरह का होता है, मैं बता भी देता हूं। ये जो है इधर आ जाते हैं, पहला होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है या इनडायरेक्ट। डायरेक्ट यही हुआ ना, डी आई आर क्या हो गया, अरे मेरे डायरेक्ट किस पे की गलत हो रही है, डायरेक्ट, ये ठीक है। तो डायरेक्ट करंट का मतलब तो ये है कि कोई भी काम करने वाला आदमी लाइव इलेक्ट्रिकल लाइन के संपर्क में आ जाए। अब लाइव इलेक्ट्रिकल लाइन क्या है, सीधा तारों में हाथ जाए, बात को समझो, लाइव क्या है, उसमें बिजली चल रही है ना, लाइव सीधी जा रही है, अब उस नंगी तार पे जाके हाथ लगे तो वो कौन सा करंट हुआ, डायरेक्ट। कौन सा शॉक हुआ, डायरेक्ट शॉक, ठीक है, क्योंकि सीधा जाके लाइन पे टच कर गया ये, तो वो लाइव किसी भी तरह की बिजली लाइन पे टच करने से, उसके कॉन्टैक्ट में आने से जो शॉक लगता है उसको हम डायरेक्ट इलेक्ट्रिक शॉक बोलते हैं। और इनडायरेक्ट में थोड़ा सा फर्क है, डायरेक्ट लाइव लाइन से शॉक नहीं लगता, उसको इनडायरेक्ट कहते हैं। तो वो कैसे लगता है, वो ऐसी किसी चीज से छूने से या उसके कॉन्टैक्ट में आने से लगता है जिसमें लाइव तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लेकिन वो उस इलेक्ट्रिसिटी लाइव से कहीं से ज्वाइंट है, कनेक्ट है, और उसमें इलेक्ट्रिकल चार्ज आ चुका है। जैसे खंभे से गई है, गीला पेड़ है, बारिश के टाइम में उसको टच कर रहा है और हम उस पेड़ को टच करें, डायरेक्ट तो नहीं हुआ, लाइन तो सीधी जा रही है, उसमें अपने को मतलब नहीं है, लेकिन उस लाइन से ये चार्ज हो गया है और इससे हमें करंट लगा है। तो मेन लाइव करंट से शॉक से ये वाला थोड़ा हल्का होता है, हल्का ही होता है ना, लाइव वाले से तो हल्का ही होगा क्योंकि उसका कुछ परसेंट चार्ज है इसमें, सारा नहीं है वो। तो जो हमें डायरेक्ट लाइव लाइन से कॉन्टैक्ट की बजाय
उससे कांटेक्ट में आया हुआ या उससे टच हुआ किसी चीज़ को हम छू लें, करंट लग जाए, तो वो इनडायरेक्ट करंट है। ये तो नहीं पता था ना, मालूम तो था दोनों तरह से लगते हैं, लेकिन उनके दो तरह के नाम होते हैं ये नहीं पता है। अभी अब टेक्निकल हो गए हम लोग, है ना, हम कोर्स कर रहे हैं इसलिए हमने उस चीज़ को सीखना है। तो ये शौक समझ गए, पहला खतरा हुआ। दूसरा खतरा आता है आर्किंग। आर्किंग बोलते हैं चमक को, जो वेल्डिंग करते टाइम में निकलती है ना, है उसको आर्किंग बोलते हैं। अब बिजली में वो नहीं निकलती है, निकलती है उसको पता है हम लोग क्या बोलते हैं, स्पार्किंग। क्या बोलते हैं? ये तो सुना होगा, तो उसी लैंग्वेज में पढ़ेंगे जो हमने सुना हुआ है। मैं बिल्कुल किताबी उसमें घुस जाऊंगा तो तुम्हारे दिमाग में वैसे ऊपर जाएगा, पहले ही कम घुसता है दिमाग में। आर्किंग का मतलब चमक पैदा होना एकदम से। तो अब मान लो मैं कहीं तार जोड़ रहा हूँ, भड़ाका नहीं हो जाता है? भड़ाका भी बोलते ना उसको, एकदम भड़ाका। तो एकदम से जो चमक निकलती है उससे हमारी आंखें डैमेज हो जाती हैं, वो भी खतरा है। इसलिए कभी भी लाइव चलती लाइन में कुछ कनेक्ट नहीं करते, वो बाद में आएंगी चीज़ें, अभी तो उतना नहीं पढ़ेंगे। अभी सिर्फ अपने को ये नाम मैं सिर्फ क्लियर कर रहा हूँ, इनका मतलब क्या है। शौक का मतलब क्लियर है, आर्किंग भी ठीक है, लंबाई इसमें सोचने की आवश्यकता नहीं है। स्पार्किंग हर जगह होती है, थोड़ी सी स्पार्किंग का फर्क नहीं है, लेकिन कभी चिंगारी लगनी हुई या आँख में लगना हुआ तो वो थोड़ी में भी लग जाएगा। अब किसी इलेक्ट्रिकल पैनल में कुछ हम छेड़छाड़ कर रहे हैं और वहाँ पे एकदम से कुछ दो फेस आपस में टकरा गए, पड़ाका होएगा। अब उसमें जो एकदम से वो आर्किंग निकलेगी वो नुकसान तो करेगी, क्योंकि नेचुरल नहीं है। और हमारी आंखें बड़ी सेंसिटिव होती हैं, एक छोटा सा कोई धूल का कण चला जाए ना, आंख ना ऐसे तिलमिलाती रहती है जब तक निकाल नहीं ले उसको, है ना, रगड़ रगड़ के लाल कर लेते हैं। तो आंख में वैसा कोई जलता हुआ अगर आर्किंग का एक भी कहीं कण चला गया तो बड़ा नुकसान हो सकता है हमारा। तो ये भी मेन खतरा है इलेक्ट्रिसिटी के काम में। तीसरा आता है बर्न्स। बर्न्स मतलब ठीक है, जलना। तो आग सॉरी इलेक्ट्रिसिटी पे काम करते टाइम में जलने का खतरा होता है। लोग जले हुए देखे हैं? कभी देखा है कोई जो बिजली से जला हो? है ना, मैंने भी देखे हैं, साइट पर भी देखे हैं और गांव में भी देखे हैं, जल जाते हैं। शायद जान बच जाए लेकिन एक बार जो शरीर का जो अंग पहले कांटेक्ट में आया है ना, वहाँ से तो चमड़ी पूरी वो जल जाएगी, उखड़ जाएगी। ऐसा लगेगा जैसे आग में दे के बाहर निकाल लिया हो इसको, पूरा ऐसे गुंडिया बन जाएंगी, चमड़ेगी वहीं पे। तो जलने का भी तो खतरा है उसमें हमारा। शौक लगा बट जलने का कई कई बार क्या होता है, हम लोग डायरेक्ट करंट में हाथ लगे ना लगे लेकिन जलते हैं। इंटरनेट पे देखना बेशक से आप, बहुत सारे फोटो मिलेंगे मुंह जले हुए, नहीं वो तो डायरेक्ट हाथ लगा था। मैं बोलता हूँ करंट भी नहीं लगता हमें फिर भी जलता है शरीर। ये जो आर्किंग था ना, इस पे मैंने सिर्फ आँखों की बात बताई थी, यही थोड़ा ज़्यादा हुआ ना तो एकदम से वो जो आग निकलेगी ना फूक करके वो आग आएगी, शरीर का जो हिस्सा सामने होगा ना वहीं से चमड़ी जला देगी। जले हुए देखे हैं यार बहुत हमने इलेक्ट्रिकल, हाथ जले हुए, लगा नहीं था करंट में हाथ लेकिन जिस चीज़ पे काम कर रहे थे ना उसमें वो आर्किंग होगी बहुत ज़्यादा एकदम। अब वो आर्किंग हुई तो एकदम से आग तो बनेगी ना उसमें, वो आग अपना ये तो चमड़ा है यार, चमड़ा जलने में इतना टाइम कहाँ लेता है। आग के ऊपर से थोड़ा सा ऐसे हाथ निकाल दो तभी इतनी जलती है, कई देर तक तो ठंडे पानी में रखना पड़ता है। और एकदम से ऐसे कोई आग फेंक देगा तो उसी चमड़ी पे, वो भी इतनी ज़्यादा जो इलेक्ट्रिकल से पैदा हुई है। तो जलते हैं लोग भाई, इसलिए जलने का भी एक हमारे यहाँ जोखिम होता है इलेक्ट्रिसिटी पे काम करते टाइम में। ठीक है, नेक्स्ट पे चलें। क्या है ये? एक्सप्लोजन एंड फायर। अब बिजली की वजह से एक्सप्लोजन का मतलब होता है बूम, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, धमाका। क्या बोलते हैं? धमाका भी होता है और आग भी लगती है, क्योंकि आपको पता है कहीं भी किसी भी आग की बाद में न्यूज़ पढ़ लेना उस पर लास्ट में यही लिखा आएगा इलेक्ट्रिकल शॉक की वजह से आग लगी, फैक्ट्री जल कर रहा हो, लास्ट में इलेक्ट्रिकल शॉक का ही नाम आता है चाहे किसी ने कुछ भी किया हो। तो एक्सप्लोजिव होती है इलेक्ट्रिसिटी, धमाका करती है, बम की तरह बड़ा आम करके फटते हैं जो ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होते हैं ना बड़े बड़े,
किसी हॉस्पिटल का या मॉल का या बहुत बड़ी बिल्डिंग का जो अंडरग्राउंड में उसका जो नीचे बेसमेंट होता है उसमें बहुत बड़े पैनल लगे होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े, इससे तो दो गुना तीन गुना बड़े हॉल होते हैं, उनमें खाली ऐसे पैनल ही पैनल होते हैं। जब उसके अंदर ये आर्किंग और एकदम से एक्सप्लोजन होगा ना तो फटेगा वो पूरा का पूरा पैनल, फट जाते हैं ये, और फिर वहाँ पे आग भी लगती है। तो जोखिम जो है फटने का भी है, धमाका होने का भी है, और आग लगने का भी जोखिम है, क्योंकि ये तो है ही मेन, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से तो बहुत आग लगी है। आग चाहे 50% लगी हो लेकिन 90% में इसी का नाम आता है कि बिजली की वजह से लगी है, क्योंकि अपना कोई कमी निकालना नहीं चाहता ना, वहाँ इस पे थोप देते हैं। अब क्या है, वहाँ जब सब कुछ जल चुका होगा तो कोई ये भी पता नहीं कर सकता कौन सी तार से चिंगारी निकली है, तारों की तो खाल जल चुकी है बेचारी की, वो खाली तांबे के तार लटक रहे हैं एक आधे, अब कैसे कोई चेक करेगा कि इसमें स्पार्क हुआ कि नहीं हुआ। ये एडिशनल है बेटा, जो पांचवा मैंने लिखा है ना, ये खतरा एडिशनल है। एडिशनल समझते हो है? मतलब क्या है कि मेन में नहीं आता है। जैसे चार प्रकार की आग जो होती है उसमें हमने पांचवी इलेक्ट्रिकल की और छठी किचन की जो है वो अलग निकाली, वो एडिशनल ही होती हैं। ऐसे जो इसके खतरे हैं ना, देखो ये चार तो हैं मेन बिल्कुल, पांचवा है एडिशनल, क्योंकि ये तो होंगे ही होंगे, बट ये कब होगा? फॉल फ्रॉम हाइट, बिजली के संपर्क में आने से कोई आदमी ऊपर से गिरता है, खतरा ही तो है ना। अब कोई खंभे पे चढ़ा होगा और उसको करंट लगा तो क्या होगा, नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा वो? लेकिन ये सिर्फ तब होता है जब कोई हाइट पे चढ़ा हो, हाइट पे नहीं चढ़ा होता तो ये वाले को नहीं मानते हैं हम मेन खतरा। हाँ, हाइट पे चढ़ा है तो उसके खतरों में ये वाला जोड़ देते हैं, ठोकर लग के गिरना, सीढ़ी से गिरना, फटा टूट के गिरना, धक्का लग के गिरने के साथ में इलेक्ट्रिकल शॉक की वजह से भी गिरना, ये एक्स्ट्रा लिख देते हैं जब हाइट वर्क का काम होता है। तो एडिशनल हुआ ना वो, सब लोग तो नहीं हाइट पे चढ़े रहते, जमीन पे खड़े खड़े भी करंट लगते हैं, पानी में खड़े हुए भी करंट लगता है, जेसीबी मशीन पे चढ़े हुए भी करंट लग जाता है, कोई बड़ी वाली ऊंची वाली क्रेन से सामान उठा के ले जाते हैं वो तारों में जाके टच कर जाए उसे भी करंट लगता है। तो ये वाला एडिशनल ही हुआ। ओके, ये पांच सिर्फ मेरे को बेसिक आपको इनके बारे में बताना है, नेक्स्ट क्लास इससे 10 मिनट लंबी कर लेंगे, आज के लिए इतना ही बेसिक। ये समझ आ गया? ठीक है।